मतदाता के पास वो ताकत होती है कि वो सरकार बना भी सकता है और बदल भी सकता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2011 से शुरू हुआ। इस दिन तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इसका आरंभ 1950 में चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर हुआ था। 2011 के पहले ये दिन अस्तित्व में नहीं था। इसी उपलक्ष्य में शिमला में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आयोजित किया गया। मुझौली पोलिंग स्टेशन के बूथ लेवल अधिकारी हैं राजेंद्र कुमार जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सोमवार को शिमला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगण मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर 5 नए वोटरों को भी सम्मानित किया गया और BLO को भी सम्मानित किया गया। भारत में वोटिंग के लिए 18 साल की आयु निर्धारित की गई है। 18 साल का होने पर व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद वे सभी प्रकार के लोकतांत्रिक चुनाव में वोट डाल सकता है। अर्पित जी, आपने पहली मर्तबा इस बार जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और आपको सम्मानित भी आज किया गया है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? और आम जो युवा हैं जो 18 वर्ष के अभी हुए नहीं हैं और होंगे अभी, तो उन्हें क्या मतदान को लेकर एक आप संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे? जी, मैं अभी 18 वर्ष का हूँ और मतलब पहली बार वोटर लिस्ट में मेरा नाम इनरोल हुआ है। आज मुझे स्टेट लेवल के फंक्शन में सम्मानित किया और वोटर कार्ड दिया गया है। तो मैं 18 वर्ष के जितने भी नौजवान हैं उनको वही बताना चाहता हूँ कि आप अपने उसका प्रयोग करें, मतदान का प्रयोग करें। और मेरा नाम मृणाल कंवर है। मेरी सभी से ये अपील है कि सब अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाएं जल्दी से जल्दी और अपने वोट को वोट देने के लिए आएं। मेरा नाम नीतीश तेजी है। जितने भी 18 वर्ष के युवा हैं उनको मतदान करना चाहिए, उन्हें वोटर आई डी कार्ड जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए ताकि वो अपनी वोट आगे दे सके और किसी नए उम्मीदवार को चुन सके।